हमारी सुनो न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। सरदार शंकर सिंह 28 वर्षीय सिख युवक निवासी महबूबाबाद तेलंगाना ने अपने अथक प्रयास से बॉक्सर प्रतियोगिता 2022 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कोलालपुर मलेशिया में हुए खेलों में भारत वर्ष के लिए मेडल एवं बेल्ट प्राप्त करके पूरे तेलंगाना और सिख समाज का नाम रोशन किया। हमारी सुनो न्यूज़ चैनल को अपने जीवन की जानकारी देते हुए कहा कि यदि मुझे समाज या सरकार से सहयोग मिलेगा तो मैं आगे भी खेलूंगा। देखिए उनकी जुबानी की ये रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम अपने दर्शकों को सरदार शंकर सिंह निवासी महबूबाबाद से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे सिख समाज को गौरवान्वित करके सिखों का नाम रोशन किया है और एक उपलब्धि बॉक्सर चैंपियनशिप में इन्होंने इंटरनेशनल खेल में अपना बेल्ट जीती है और विजेता पुरस्कार के रूप में इन्होंने वहां से सम्मान पाया है। हमें गर्व है शंकर सिंह पर और मैं हमारी सुनो न्यूज चैनल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी पूरे इंटरनेशनल टीम में अपना नाम रोशन किया है। और मैं अब शंकर सिंह साहब से कहूँगा कि थोड़ा वो अपना परिचय दे, बताए कि वास्तव में ये इससे पहले कहाँ कहाँ खेल चुके हैं, ये भी अपना बताए कि उन्होंने अपने बॉक्सर में कहाँ कहाँ खेल खेले हैं, जरा थोड़ा सा वो अपने विषय में जानकारी देना चाहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारी सुनो न्यूज चैनल वाले भाई साहब भाई सुखराम सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये जो मैच जो है कुआलमपुर मलेशिया में हुआ है, एमएमए चैंपियनशिप में मेरा ये बेल्ट फर्स्ट प्राइज आया, मेरा गोल्ड मेडल ये वहाँ पर एमएमए चैंपियनशिप हुआ, वहाँ पर मैं विनर हुआ हूँ। अभी मैं मैच खेल चुका हूँ कोयम्बतूर में, चेन्नई में खेल चुका हूँ मैं, मदुरई में और कई जगह में मैच खेल चुका हूँ। गोल्ड मेडल मेरे वो कोयम्बतूर से, तमिलनाडु से बहुत 3-4 गोल्ड मेडल है मेरे पास। मैं रहने वाला हूँ जिला महिपा, गांव नरसलापेटा है, तेलंगाना स्टेट से हूँ मैं। और बेनती करना चाहता हूँ सिख सारे जितने भी सिख नौजवान हैं, मैं आगे भी खेलना चाहता हूँ। मैं आगे कुआलमपुर में और जुलाई में मेरा और एक मैच है, मैं खेलने जा रहा हूँ। ये सब सिख संघों का सपोर्ट है तो मैं आगे खेलने को बहुत कोशिश कर रहा हूँ। शंकर सिंह साहब, आपको ये खेल की प्रेरणा कैसे मिली और आप इस खेल में कैसे जो है आपने जो है अपना आरंभता की शुरुआत की खेल की, थोड़ा बताइए खेल का शौक आपको कब से लगा? हाँ जी, जब विजेंद्र सिंह गोल्ड मेडल जीत के आए थे 2008 की बात है शायद, मैं